अच्छा सर, मुझे ये बताएं, एमए इंग्लिश है आप, किताबें लिखते हैं, टीचर है, पोइट्री करते हैं इंग्लिश में, लोग इतनी इंग्लिश समझा रहे हैं, तो आप रक्षा चला रहे हो और अभी इस वक्त आपकी हालत देखें। मुनफरिद, दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए न्यूज ऑन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राज में आवर एमएम न्यूज ऑन के साथ। और आपको पता है कि न्यूज ऑन के प्लेटफॉर्म से हम आपके सामने टैलेंट जो है वो ढूंढ ढूंढ कर लेके आते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड इंसान जो है वो मौजूद है। इनकी पर्सनैलिटी आप देखें और अभी मैं इनके बारे में जो जो आपको बताने लगी वो सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। ये शख्स है, इनकी उम्र जो है वो तकरीबन 50 से 60 साल के करीब है और ये रक्षा ड्राइवर है। और रक्षा ड्राइवर होने के साथ साथ एमए इंग्लिश हिस्ट्री, पार्क स्टडीड, एमएड और टीचर एजुकेशन और पता नहीं क्या किया इन्होंने, कितनी किताबें जो है वो लिख चुके हैं और कितनी इंग्लिश में पोइट्री जो है ये कर चुके हैं और मजीद पता नहीं है क्या कुछ करते हैं, ये सब इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मुझे सबसे पहले ये बताएं कि अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या करते हैं, क्या नाम है आपका और क्या क्या पढ़ा हुआ आपने। मैं मोहम्मद सलीम, मेरा नाम है। मैंने एमए इंग्लिश हिस्ट्री पाक स्टडी एमएड मैंने किया हुआ है और मैंने ये इसके अलावा मैंने स्टैंजा भी, अब मैंने पोएम भी लिख रहा हूँ। मैं 16 लाइन स्टैंजा मैंने लिखा है जो आज तक मेरे का किसी ने नहीं लिखा। लाइन से ये आप ही ने लिखे और कोई नहीं लिख सकता, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि ये आज तक जितने भी ये स्टैंजे जो आए हैं वो 14 लाइन का होता है, 16 लाइन का अभी तक नहीं छुपा। इसलिए आप कोई हो सकता कुछ आवे, लेकिन ये सारा एक सेंटेंस है और 16 लाइन है, तो ये पंक्चुएशन के हवाले से इसमें मैंने तकरीबन कोई 85 या 90 मैंने इसमें पंक्चुएशन इस्तेमाल किए हैं, जो आज तक किसी ने एक सेंटेंस में इतने पंक्चुएशन मार्क्स नहीं किसी ने लगाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताया कि आपके हाथ में बुक्स था, ये बुक्स भी आपने लिखी हुई है, ये गालबन टेंसेस की बुक्स है यार, अमेजिंग। मीन्स ये टेंसेस जो है ये हम पढ़ते हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस जो है ये हम स्टडीज करते हैं और इन्होंने ये खुद लिखी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इनकी तस्वीर भी इस किताब के पीछे, मीन्स के ये इस किताब के ऑथर है, क्या बात है। तो ये किताबें आपने खुद लिखी है? हाँ जी, मैंने खुद लिखी है और भी लिख रहा हूँ। ये लॉकडाउन की वजह से जो मेरे पास पैसे थे वो मैं खा गया, अब मेरे पास ना होने की वजह से मेरे पास लिखी हुई पड़ी है, सिर्फ मैंने प्रिंटिंग करानी है। किताबें आपकी सेल भी होती है? हैं? किताबें आपकी बिकती है? अब ये बिक तो नहीं है, ये आसे बुक सेंटर वालों ने ये पैसे लगाए उसके ऊपर, मुझे 5 रुपए फी किताब का उन्होंने बताया था हम आपको देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने दिए नहीं है। 5 रुपए फी किताब आपको इसका मुनाफा मिलेगा? मुझे उन्होंने देना था जिन्होंने ये आसे बुक सेंटर वालों ने, लेकिन मुझे पैसे नहीं दिए उन्होंने। कि माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे आप और इतनी किताबें वगैरह लिखते, तो आप किसी यूनिवर्सिटी में जो है वो पढ़ा क्यों नहीं रहे, कोई लेक्चरर क्यों नहीं है, कोई प्रोफेसर क्यों नहीं है, रक्षा क्यों चला रहे हैं? इसलिए मैंने ट्राई मैंने की है, तकरीबन मैंने 30 साल मैंने ट्राई की है, अप्लाई करता था लेकिन मेरा नंबर नहीं आता था। तो अब मैंने ये प्राइवेट जो वहाँ भी मैं अपनी CV देता था, लेकिन अगर कोई वैकेंसी निकलती है तो वो अपने कुलीग जो है वो लगवा लेते हैं अपने दोस्तों को, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है पाकिस्तान में, तो लिहाजा वो अपने अपना तफरी में वो हमारे जैसों का बने हमें। मैंने एक दो जगह पर मुझे बुलाया, वो 8,000 रुपये महीना दे रहे हैं, तो 8,000 से मैं बेहतर मैं रक्षे में कमा लेता हूँ। बात यह है कि ये हमारा जो मेरा रक्षे पर आने का मकसद या क्यों मैं इधर आ गया, ये बिका द एजुकेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ टोटली करप्टेड बिकॉज इट लीड टू जंगल, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी बिकॉज इट इज़ ओनली ऑन ऑब्जर्वेशन नॉट एक्सपेरिमेंटल दैट इज वाई अनएम्प्लॉयमेंट इनक्रीज। तो हमारा जो पाकिस्तान की जो तालीम है ओनली वर्बली है, नॉट टेक्निकली, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी एजुकेशन शुड बी गिवन टेक्निकली ना एंड एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। पाकिस्तान की जो तालीम ओनली ऑब्जर्वेशन। 30 साल आपने 30 साल आपने यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया, कॉलेज स्कूल में, 30 सालों में एक दफ़ा भी आपको नौकरी नहीं मिली? वो 8-8 हज़ार 7-7 हज़ार की वो इतने कम पैसों की थी वो हमें कबूल नहीं करते, लेकिन जहाँ वो 60-70 हज़ार रुपये वाले वो कुलीग जो हैं वहीं वाले जो हैं वैकेंसी निकलती वो उसमें एडजस्ट करवा देते हैं अपने दोस्तों को।
इतना आपके पास मतलब इतना आपके पास तलीम है, इतनी तलीम है, फर फर आप इंग्लिश में बात भी कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं, तो किसी भी महकमे ने आपकी ये जहानत नहीं देखी? देखिए मैं, अब बात ये है कि यहाँ 15 सीटें होती है प्रोफेसर की, तो 3 लाख दरखास्त होती है, अब वो किस किस को देंगे? मैंने तालीम पर इतना पैसा लगाया और मैं खुश हूँ, क्योंकि तालीम पर मैंने कोई नशे पर मैंने नहीं पैसा लगाया हुआ। ऐसा होता है बाद का देख, ये काश्तकार वो उसको हल चलाता है और उसके अलावा उसको बोता है, पानी देता है, इतना खर्चा करता है, जब वो काटने का टाइम आता है इतनी ज़्यादा बरसात आती है, वो सारी तबाह हो जाती है। ये होता है, ये इट इज़ अ लॉ। अपने कहने का मतलब ये कि आपने इतना पैसा जो है वो तालीम पर लगाया, अभी आप खुश है, ऐसे मुतमिन है? मैं मुतमिन हूँ क्योंकि मैंने तालीम पर लगाया हुआ है। अगर गवर्नमेंट ने ऐसा मुझे नहीं उन्होंने प्रोफेसर बनाया तो ये वो जवाब देंगे क्यामत के दिन? मैंने जवाब तो नहीं देना था। इन्होंने कहा हर बच्चा स्कूल में, ठीक है, अब तो बच्चा स्कूल में तालीम हासिल करो, ये आबाद। अब मैं 67 ईयर ओल्ड हूँ। अब ये मुझे बताएं कि ये जो मैंने बच्चों को, बच्चे का रिज़्क मैंने यहाँ लगाया था, अब हम मकान किराए पर हैं, तो ये कौन फॉल्टी है? मैं फॉल्टी तो नहीं है, मैंने तो तालीम हासिल की है। जो आपने मुझे कहा था एम ए इंग्लिश एम एड को आम बात नहीं है, इसमें तो दाखिला लेना मुश्किल होता, पास होने के बाद की बात है। तो मैंने एक गरीब आदमी रक्षे पर या ट्यूशन पढ़ा कर ये छोटे मोटे करते हुए बच्चों की पालता रहा, 11 मेरे बच्चे हैं, उसके बावजूद उनको मैंने पढ़ कर दिखाया कि देखो मैंने एम ए इंग्लिश किया, आम मैंने कोई इस्लामियात या उर्दू में तो नहीं किया हुआ, या पंजाबी में मैंने तो नहीं किया, इंग्लिश में मैंने किया हुआ। तो इसके अलावा इनको मैंने बताया कि आप मुझे एक दिन का प्रोफेसर चाहे मुझे बना दे, बना तो दे, मैं किसी को कह तो सकता हूँ कि मैंने प्रोफेसर, अब इसके ऊपर प्रोफेसर का नाम नहीं लिखा हुआ, अगर वो मुझे एक दिन का लिख दे, बना दें, पैसे भी ना दे, तो मैं यहाँ लिखूँगा प्रोफेसर मोहम्मद सलीम। लेकिन नहीं, इतनी जालिम हुकूमत है कि हमारे पाकिस्तान की तालीम जो है ये वर्बली इन्होंने किया, ओनली ऑन ऑब्जर्वेशन, ओनली ऑब्जर्वेशन। जी नाजरीन, नहायत ही अफसोस की और तकलीफ दे बात है। इनका कहना यह है कि मैंने इतने साल पढ़ाई को दिए, इतने साल जो है वो तलीम हासिल की, दिल लगा कर ईमानदारी से जो है मैंने तलीम हासिल की, एम ए इंग्लिश किए और पता नहीं क्या कुछ जो है इन्होंने स्टडी किया, लेकिन इनकी ख्वाहिश है कि इन्हें एक दिन के लिए ही सही, लेकिन किसी यूनिवर्सिटी में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, कहीं पर भी एक दिन के लिए प्रोफेसर बनाया जा सके, ताकि इनके नाम के साथ जो है वो प्रोफेसर मोहम्मद सलीम लिखा जा सके। तो क्या बात है, बहुत इनकी जायज़ ख्वाहिश है। और साथ साथ इनका कहना यह भी है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को जो है वो पढ़ाई में थ्योरी ना पढ़ाए, थ्योरीज जो है वो ना पढ़ाया करें, मतलब रट्टा ना लगवाया करें, बल्कि उन्हें प्रैक्टिकली जो है वो पढ़ाया जाए, उन्हें फिजिकली पढ़ाया जाए, कोई ऐसा टैलेंट सिखाया जाए जिससे उनकी आने वाली नस्लें जो है वो बदल सके, इस तरह वो रक्षों में जो है वो मजदूरी ना कर सके। मीन्स कि आपके सामने एक जीती जागती मिसाल खड़ी हुई है कि ये शख्स जो है 67 ईयर्स इनकी उम्र है और इन्होंने इतनी स्टडी की है, फर फर इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन आप इनकी कंडीशन देखें, ये रक्षा चला रहे हैं और बेचारे एक ख्वाहिश दिल में लेकर बैठे हुए हैं कि काश मुझे एक दिन का मौका मिल जाए और मेरे नाम के साथ जो है वो प्रोफेसर आ जाए। तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए और जो भी आला है काम अगर मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो बराए मेहरबानी मोहम्मद सलीम साहब से जो है वो रब्ता करें और इनकी ख्वाहिशात को मद्देनजर रखें। उम्मीद है आपको इनकी इस कहानी जो है वो पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।